आइए देखिए, आप आपको हम ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश सिखाएंगे और इसका एक शॉर्टकट तरीका आज हम बताएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं। अगर आपको किसी भी मैथमेटिक्स में किसी का फॉर्मूला याद हो जाए तो आपको किसी भी सवाल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल उसी प्रकार अगर हम हिंदी से इंग्लिश बनाना चाहते हैं और इन हिंदी वाक्यों को कन्वर्ट करके हम इंग्लिश में करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आज एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं जिसके लिए कहा गया है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की संरचना। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, एक सेंटेंस हमने बताया था, उसमें हमने सब्जेक्ट बता दिया, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हम सब बता चुके हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं आपको सेंटेंस तैयार करें कि सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से होते हैं। ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर ऑर्डर अपसेट हो जाता है तो आपका सेंटेंस रॉन्ग है, ग्रामर के तरीके से आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर हम पहले बता चुके हैं किस तरीके से होता है और फिर इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, कभी भी किसी भी सेंटेंस का, एफर्मेटिव सेंटेंस का या एफर्मेटिव का ही नेगेटिव होता है, नेगेटिव का कोई भी हो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है और कहां से आती है ये आपको मेरे बात ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म का एक चार्ट बनवा चुके हैं, टेबल बनवा चुके हैं, उसको आप उससे आप देखें। इसके बाद यदि हमारा नेगेटिव के रूप में है तो उसके लिए हम बहुत जगह छोड़ देते हैं, आपको बाद में समझाएंगे, पहले हम इसको समझाते हैं केवल या सिंपल सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी आती है मेन वर्ब और मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो हमने टेबल में बता रखी है। यहां जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है इसमें जो कुछ खाली है ये वहां से आएगा, टेबल से आएगा। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर जो बनाएंगे, जो हमने टेबल बताई है उस टेबल से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म को राइट। इसके बाद कार्य, जो भी कार्य किया जाता है सब्जेक्ट के अंदर, जो भी कार्य किया जाता है उसके लिए हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्म कहते हैं, और कर्म को कहते हैं हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। और इसके बाद जो कुछ भी बचता है, कोई टाइम है या कोई अन्य कुछ बचता है, उसको हम लास्ट में कॉम्प्लीमेंट मान के रखते हैं, कॉम्प्लीमेंट या इसको बाद में। और इन वाक्यों में लास्ट में फुल स्टॉप आता है, क्या आता है, फुल स्टॉप। तो देखिए आप समझे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि किसी भी वाक्य में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, हिंदी में कर्ता कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब उसी वाक्य के अनुसार, उसी टेंस के अनुसार आती है, वो हम टेबल पे शो कर चुके हैं, टेबल में से जाएंगे। जैसा आपका टेंस होगा उसी की उसी प्रकार उसकी हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट आता है आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो यहाँ पर आएगी, जैसा टेंस होगा उसी प्रकार उसकी फॉर्म आएगी। अगला आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपके सेंटेंस में कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा जो कुछ बचता है वो पीछे अपने ऑर्डर में लगा देते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने ये जगह छोड़ दी, ये हमने स्पेस छोड़ा है नेगेटिव के लिए। यदि यही हमारी स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है, अगर इसी में हमारा कोई सेंटेंस आ जाता है नेगेटिव के लिए पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, ये मेन वर्ब दे रखी है और मेन वर्ब से जस्ट पहले नोट लगा देंगे, ये ही आपका स्ट्रक्चर इसके काम आ गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको दोनों को समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम सिंपल लेते हैं, जो हम पहले एग्जांपल दे चुके हैं उसी को लेते हैं। राम स्कूल
अब इसमें हम पूछेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट को बताने के लिए हमने बताया था एक वर्ड बताया था कौन, स्कूल कौन जाता है। अगर वो हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा कौन जाता है, राम। तो राम हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट, पहले पहचान करनी है, इसके बाद इसमें स्ट्रक्चर रख सकते हैं। जब तक ये पहचान नहीं होगी तब तक। एक और बात बताई जाने, राम क्या करता है, क्या लगाने से उसका कर्म आ जाता है। राम स्कूल जाता है, यानी कि जाने का काम है राम का कहां पर, स्कूल। यहां पर क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब तो आपका माने थ्री आइटम हो गए, थ्री में से आपको क्या चाहिए एक और चाहिए। अब बाकी जो बचता है यानी कि राम को स्कूल तक पहुंचने के लिए अपने शरीर के द्वारा जो भी एक्टिविटी की गई है उसको कहते हैं वर्क, क्या कहते हैं क्रिया। और क्रिया भी टू टाइप की होती है, वर्क भी टू टाइप की होती है, एक होती है मेन वर्क और एक होती है हेल्पिंग वर्क। जो हेल्प करती है उसे हेल्पिंग वर्क, और जो मेन होती है, और मेन की जो पहचान होती है वो ये होती है किसी भी कार्य की जो पहचान हमने टेस्ट में बताई है वो उस वर्ग के साथ हमेशा जुड़ी होती है। ये आप पहचान सकते हैं कि जिसके साथ पहचान जुड़ी होगी, जैसे इसमें जुड़ा हुआ ता ती ते, वह स्कूल जाता है, तो ता के साथ जो जुड़ा हुआ है ये हमारा क्या है मेन वर्ग है, ये पहचान लेंगे। ये जाता जाता है, ये मेन वर्ग क्या है, ये मेन वर्ग। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब हम इसको यहां सेंटेंस तैयार करते हैं इसके अनुसार। देखिए सब्जेक्ट भी है वर्ग, क्या रखिए राम, हेल्पिंग वर्ग, हेल्पिंग वर्ग हमारा प्रेजेंट इंटरप्रेटर। सबसे पहले पहचान बताएंगे, पहचान हम इधर से करेंगे, ये भी हम पहले बता चुके हैं वीडियो में। सबसे पहले फुल स्टॉप देख लेंगे तो इससे हमें समझ में आ जाएगा ये हमारा जो सेंटेंस है या तो हमारा एफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अगर एफर्मेटिव है तो आप इसमें देखेंगे एफर्मेटिव है, राइट। अगर नेगेटिव को देखना है तो इसमें नहीं देखेंगे, इसमें नहीं तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा है या ये समझ ले नहीं आ रहा तो नहीं की इंग्लिश फॉर लगा देंगे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर देखते हैं हम, इस पर क्या देखेंगे, इससे पता चलता है टेंस, कौन से टेंस का है, आ रहा है का मतलब है प्रेजेंट। और लास्ट में ता आ रहा है वर्ब में देखेंगे तीसरे नंबर पर, ता तो ता का मतलब है इंडेफिनिट। तो इसका मतलब बोलेंगे हम एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप फटाफट से अपने टेबल पर पहुंच जाएंगे और टेबल में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहां देखेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, दोनों तरफ से जाएंगे, जहां पर आप मिल जाएंगे वहां से आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएंगे। और अब इसमें हम एक बात और बता चुके हैं जो टेबल में नीचे नोट लिख चुके हैं कि जब कभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब उसमें सिंपल सेंटेंस के साथ नहीं आती, ओनली सिंपल के साथ। तो फिर आप कहेंगे सर क्या आता है, तो वहां पर हम केवल अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ उसकी मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं, वही से हमारा काम चल जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं है, जब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं तो हेल्पिंग वर्ब का पोर्शन हमने छोड़ दिया। अब आइए मेन वर्ब पर, मेन वर्ब क्या जाता, जाने की इंग्लिश होती है और इसमें आता है टेबल में जाते हैं, टेबल में देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म हमारी जाने की इंग्लिश होती है गो, गो होती है। अब राम हमारा सिंगुलर है, राम हमारा सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे इसमें ई एस जोड़ देंगे, राम गोज। अब इसके आगे आ जाइए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आएगा इसमें स्कूल, राम गोज टू। कुछ बातें ऐसी होती हैं इसमें
इसका मतलब है राम स्कूल को जाता है। तो हमने ये नहीं लिखा राम स्कूल को जाता है, लेकिन हम अपने आप को मोमेंट के अपने दिमाग में सेंस में रख लेंगे कि राम स्कूल को जाता है, तो इसलिए यहाँ पर टू का यूज किया। अब हमने ये एफर्मेटिव सेंटेंस था, अब एफर्मेटिव की बजाय नेगेटिव बना दिया इसका, और नेगेटिव बनाने में सेम रहेगा, इसका बनाने का तरीका सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगी, बस इसमें हम क्या करेंगे यदि इसमें नॉट दे रखी है, तो ये हमने खाली स्थान छोड़ रखा है, इसमें नॉट की इंग्लिश यहां आ जाएगी मेन वर्ब से जस्ट पहले। अब हम क्या करेंगे देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और जाता ये हमारा मेन वर्ब हो गया, इसके बाद ये हमारा नॉट हो गया, नॉट आ रहा है। अब इसको हम पहचान करेंगे, सपोज दैट हमें नहीं मालूम कौन सा सेंटेंस है ये, तो क्या करेंगे सबसे पहले सेंटेंस की पहचान इससे हो जाती है, आपको मान लीजिए फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, विराम दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लेंगे या तो ये सिंपल है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो हम इसके अंदर जाते हैं, इसमें नहीं होगा, नहीं है, नहीं इसमें दे रखा है, तो समझ लेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस है तो करना कुछ नहीं है, ज्यादा विशेष कुछ नहीं करना, वही हमारा एसर्टिव वाला या परफेक्टिव वाला सिंपल वाला ही स्ट्रक्चर इसके लिए कार्य करेगा। देखिए अब जैसे हमने बना दिए इसकी शीट फिक्स कर रखी है, उसी शीट पे जाके हमको बैठा दीजिए, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की शीट पर, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की शीट पर, और इनको सबको एक दूसरे को जैसे जैसे इनकी जगह है उस पर जाके ऑर्डर में रख दीजिए। देखिए राम, अब आते हैं हम इसमें, ये आ गया नेगेटिव वाला, अभी हमने जस्ट एक और बताया था उसमें सिंपल था, सिंपल था तो हमने ये बताया था सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती, केवल एस या यस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगा देते, उसी से हमारा काम चल जाता है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब हम आपको डू और डज पहले टेबल में मेंशन करा चुके हैं, टेबल में लिखवा चुके हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ डू आएगा या जाएगा, ये भी हम बता चुके हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आएगा डज आएगा, और प्लूरल है तो डू आएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर डज लगाएंगे, राम डज, यहां तक का काम हमारा खत्म। यहां जो हमने स्पेस छोड़ दिया है नॉन के लिए छोड़ दिया था, यानी स्ट्रक्चर थी हमारी किसकी सिंपल की, लेकिन इसी को हम इसमें नॉट लगा देंगे तो यही हमारी स्ट्रक्चर नॉट का काम करेगी, तो ये हो जाएगा, ये नेगेटिव का काम हो गया, राम डज नॉट यहां तक पहुंच गए। अब आता है हमारा मेन वर्ब की फॉर्म, मेन वर्ब की फॉर्म हमने कई बार बताई है और अभी बता रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म में ही यूज की जाती है, तो फर्स्ट फॉर्म होगी हमारी गो, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आया, जैसे हमने पहले ऑब्जेक्ट लगाया था सेम वैसे ही लगा दीजिए, गो टू का बता रहे हैं, उसमें ही
चेक थोड़ा सा चेंज करके डबल एंडेड हो गई। तो आइए अब हम करते हैं स्टार्ट। ये जितने भी सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आएगा आफ्टर दिस, सब्जेक्ट, और इसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं नोट के लिए। अगर हमारे लिए अगर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का बनाना पड़े तो नोट नहीं आ रही सेंटेंस में तो इसकी जगह पर नोट आते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्ट। अब हमने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है वो स्ट्रक्चर तैयार किया है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव का। इसी में हम इसमें नोट लगा देंगे तो ये ही हमारा हो जाएगा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव का, और इसी में नोट नहीं लगाएंगे तो ये ओनली इंटरोगेटिव का रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें भी हमारे दो होते हैं सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। तो हमने जो इस समय जो आपके सामने पे दिखाया है ये है सिंगल इंटरोगेटिव के लिए, और इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे वही हो जाएगा डबल के लिए। क्या चेंज करेंगे वो समझने की बात है, वो सोचते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट में क्या आया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आया, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो कुछ भी बात में और लगता है उसे कॉम्प्लीमेंट या अदर कहते हैं वो यहाँ पर नोट हो गया। और सबसे लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। अब इसी को मान के चलिए हमारा नेगेटिव में इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव या नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव है तो नोट आ रहा होगा, नोट भी आ रहा है, ये समझ आया नोट क्यों लगा दिया, इतनी बात समझ आ गई। तो अब हम आते हैं इसका पहले एक एग्जांपल देंगे, एग्जांपल के बाद आपको समझ में आएगा, फिर इसके बाद डबल का एग्जांपल देंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ओके देखिए अभी हमने एग्जांपल लिए हैं, एक दिया है सिंगल इंटरोगेटिव के लिए और सेकंड किया है डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव की पहचान ये होती है सबसे फर्स्ट में हिंदी वाक्यों के सबसे फर्स्ट में क्या आता है पहले बता चुके हैं, और बाद में क्वेश्चन मार्क दोनों में आते हैं। क्या काम स्कूल जाता है, आप एक ही वर्ड में इसका आंसर दे देंगे यस, तो उनको आंसर पूरा क्लियर पता चल गया एक वर्ड। तो वन वर्ड में जिसका आंसर मिल जाए, और सबसे पहले क्या है ये हमारा सिंगल इंटरोगेटिव होता है, और डबल इंटरोगेटिव की पहचान ये होती है कि बाकी सब कुछ सेम रहता है, इसके हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, प्रश्न सूचक जो शब्द आता है कहीं भी आएगा लेकिन बीच में आएगा, सबसे पहले नहीं आएगा। जब सबसे पहले नहीं आएगा तो उसको हम जब इंग्लिश बनाते समय क्या करेंगे वो हम आपको स्ट्रक्चर में बताएंगे क्या करेंगे। तो इसका देखिए क्या है, राम क्यों स्कूल जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं राम स्कूल क्यों जाता है, दोनों बातों में से कोई सा भी कह सकते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको स्ट्रक्चर में रखेंगे। अगर पहली बार जो स्ट्रक्चर बनाई है हमने वो इसके अनुसार बनाई है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले हम ही पहचान लेंगे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ है का मतलब प्रेजेंट और का मतलब इंडेफिनिट, ये हमारा जो सेंटेंस है वे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किसका इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें अगर नॉट नहीं आ रही तो ये ओनली इंटरोगेटिव, इसमें अगर नहीं भी आ रही होती नहीं जाता है आ रही होती तो यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता, और उसमें केवल स्ट्रक्चर में नोट हो रहा है, नोट नहीं दे रखी तो इसमें नोट नहीं लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे, और नोट वाला होगा तो उसमें नोट भी ऐड कर देंगे। अब आते हैं डबल इंटरोगेटिव, राम क्यों स्कूल जाता है या राम स्कूल क्यों जाता है, दोनों की बात सेम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या बीच में आते हैं, इनकी जो इंग्लिश होती है स्ट्रक्चर बनाते समय सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच का मतलब होता है
इसका बताते हैं। देखिए इसका पहले हम क्या बताते हैं, इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसको क्या करिए, ट्रांसलेट कीजिए। तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले सिंगुलर वाले का बताते हैं, तो क्या आएगी, डू और डस। राम क्या है, सिंगुलर है, तो यहां पर आएगी डज। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट कौन है, कार्य करने वाला, राम, और राम ये प्रॉपर नाम होता है, इसलिए बाद में भी आने पर कैपिटल से राइट किया जाता है। नेमिंग वर्ड को हम कैपिटल से राइट करते हैं, यानी प्रॉपर नाम कोई भी हो उसको कैपिटल से राइट करते हैं। यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब इसके बाद कहां पहुंच गए, नोट पर। देखिए इसमें नोट तो नहीं है, नहीं है, छोड़ दीजिए, लेफ्ट। अब आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब देखिए इसमें है ना, है, जिसमें पहचान भी होती है वही मेन वर्ब होती है। तो जाने की इंग्लिश होती है गो, और इसमें तार का है जाता, तो ये इसकी इंग्लिश लगाएंगे। और इसकी फॉर्म जो आती है, आप मेरे से देखेंगे फॉर्म, जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं गो। डज राम गो टू स्कूल, ये तो बन गया आपका सिंगुलर वाला, बाद में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, मस्ट जरूर लगाएंगे। अब आते हैं डबल वाले, डबल वाले में सिर्फ क्या करेंगे, क्योंकि इंग्लिश को इससे पहले रख देंगे बाकी सब सेम। देखिए क्योंकि इंग्लिश आती है वाई, यानी डब्ल्यू एच जो वर्ड हमने ऊपर दे रखा है इसको वाई डज राम गो टू स्कूल क्वेश्चन। देखिए अब आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा, अब हमने केवल दो स्ट्रक्चर बताई है, एक एफर्मेटिव की, उसी से नेगेटिव बन जाएगा नोट लगाया, और एक बताई है हमने आपको इंटरोगेटिव की, उसी में अगर नोट लगा है तो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव की बन जाएगी। और उसकी भी स्ट्रक्चर दो होती है, एक डबल के लिए एक सिंगल के लिए। हमने डबल की आपको लिखवा दी, डबल की याद कर लीजिए, अगर सिंगल है तो इसको हटा दीजिए, अगर इसमें नोट भी नहीं है तो नोट को भी हटा दीजिए। इन दो स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे, पहले हम एफर्मेटिव वाली बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं। इसके अलावा किसी की भी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तीन बातें याद रखनी है, एक टेबल याद रखनी है और दूसरे दो फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके बाद पहचान कीजिए और उसमें मैथमेटिक्स की तरह उसको सेट कर दीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कॉल के माध्यम से स्कूल में सिंगल आकर किसी भी प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन हमसे बता सकते हैं, ओके। और जो स्टूडेंट इसको पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें बता दीजिए, स्कूल का एक चैनल बना हुआ है दहीज एजुकेशन के नाम से, यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, सारी वीडियो जो है वो वहां पर हमको मिल जाएंगे, ओके।